और चले बढ़ते आगे। सांचौर से खबर है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के नाम से दी गई धमकी। ठेकेदार गंगाराम बिश्नोई को व्हाट्सएप पर मैसेज करके जान से मारने की धमकी दी है। व्हाट्सएप पर विदेशी नंबर से धमकी भरा मैसेज आया है। ठेकेदार ने सांचौर थाने में मामला दर्ज कराया और पुलिस ने अब जांच पड़ताल अपनी शुरू कर दी है। ठेकेदार ने पुलिस थाने में रिपोर्ट अपनी दर्ज करा दी है। जान से मारने की धमकी ठेकेदार को मिली है। व्हाट्सएप पर मैसेज आया, जान से मारने की धमकी दी गई है ठेकेदार को और अब ठेकेदार ने पुलिस थाने में रिपोर्ट अपनी दर्ज करा दी है। विदेशी नंबर बताया जा रहा है जिससे धमकी भरा मैसेज आया है ठेकेदार को व्हाट्सएप पर और ठेकेदार को जान से मारने की धमकी दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के नाम से धमकी दी गई है। विदेशी नंबर है ये जिससे मैसेज आया है व्हाट्सएप पर और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के नाम से धमकी दी गई है। ठेकेदार गंगाराम बिश्नोई को व्हाट्सएप पर मैसेज करके जान से मारने की धमकी दी गई है। और मेरे सहयोगी डूंगर का मेरे को करना चाहूंगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए फोन लाइन पर मौजूद है। डूंगर, विदेशी नंबर से मैसेज आया है व्हाट्सएप पर, जान से मारने की धमकी दी गई है लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के नाम से, पूरी जानकारी जी मैं बताना चाहूंगा। ये सांचौर थाने का ये मामला है जहां पर बिश्नोई समाज के जो सदस्य हैं, बिश्नोई महासभा के गंगाराम बिश्नोई ने और ठेकेदार भी है, उनको एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप मैसेज पर धमकी मिली है लॉरेंस के भाई अनमोल के नाम से। जो तुर्की के नाम से जो मैसेज आया है उसको धमकी मिली है और वो सोशल मीडिया पे भी ये मैसेज वायरल हो रहा है। उसको लेकर सांचौर थाने में उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है और मामले की जांच को लेकर और उसके सुरक्षा को लेकर उसने पुलिस के मामले। ठीक है डूंगर, तमाम जानकारी के लिए आपको शुक्रिया। तो पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई और पुलिस ने जांच पड़ताल इस मामले की शुरू कर दी है।